अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप हज़रात खैरियत से होंगे। सुबह भोर का वक्त है, नमाज़ फजर का वक्त है और हम इस वक्त एक नए ब्लॉग के साथ अपने टूर का आगाज़ कर रहे हैं। किचौचा शरीफ में हाज़िरी हो चुकी है। इस वक्त हम लोग फजर के वक्त में किचौचा शरीफ में हाज़िर हैं। हम आपको बैक कैमरे से दिखाते हैं, बने रहे हमारे साथ। हमारी और आपकी हाज़िरी हुजूर तारिकुस सल्तनत सैयद मखदूम शब जहांगीर समनानी अलैहि रहमा की बारगाह में हो रही है और ये ख़ूबसूरत मंज़र आप देख सकते हैं और ज़ियारत कर सकते हैं मज़ार शरीफ की। बिल्कुल यहाँ पर कितना ख़ूबसूरत मंज़र होता है आप ख़ुद मुलाहिज़ा कर सकते हैं। ये हमारी पहली वीडियो है जो नाइट में यानी रात में आपको ज़ियारत करवा रहे हैं। इंशाल्लाह अज़ीज़ आप आगे भी बने रहेंगे और भी मज़ारात के हम आपको ज़ियारत करवाते रहेंगे। हुज़ूर तारिकुस सल्तनत मखदूम शब जहांगीर समनानी अलैहि रहमा की ज़ाते गिरामी, वो ज़ाते गिरामी है जो हर शख्स जानता है कि उनकी तारीफ व तौसीफ़ के हुज़ूर तारिकुस सल्तनत अलैहि रहमा ने अल्लाह की रज़ा के लिए बादशाहत को ठोकर मार दी थी, तब जाके उनको ये मर्तबा मिला। और आज जो भी नाज़रीन आते हैं, ज़ायरीन आते हैं, सब हुज़ूर मखदूम अशरफ समनानी अलैहि रहमा के फैज़ से माला माल होते हैं। और यकीनन हम यहाँ पर हाज़िर हैं और मैं दुआ गो हूँ कि जितने भी हमारे व्यूवर्स हज़रात वीडियो देख रहे हैं, मैं उन हज़रात के हक़ में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला अपने नेक बंदों के सदक़े तवसुल से उन तमाम हज़रत के जायज़ मकासद को पूरा फरमाए। फजर के नमाज के पहले हमारी हाज़िरी दरगाह हुज़ूर मखदूम अशरफ हुई, हमने आपको ज़ियारत भी करवाया और अवलिया मस्जिद में जो है हमने नमाज अदा की, उसके बाद सलातुस्सलाम पढ़ा। अब हो चुकी है सुबह, फिर हमें दूसरी दरगाह के लिए निकलना है, तो फ़िलहाल हम अपनी बस की तरफ बढ़ रहे हैं। अवलिया मस्जिद की खसूसियत ये है कि अवलिया मस्जिद में जब कभी भी आएँ, जो ऊपर मस्जिद है मखदूम अशरफ के दरगाह पर, जो बगल में मस्जिद है, उसमें दो रकात नमाज़ पढ़ें। उसके बाद नमाज़ पढ़ने के बाद फिर दरगाह हुज़ूर मखदूम अशरफ समनानी अलैहि रहमा में हाज़िरी दें। उसके बाद जो दुआ करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ सारी दुआएं कबूल होंगी इंशाअल्लाह। क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, इस वजह से कि हमने बहुत मरतबा आपको दरगाह मखदूम अशरफ की ज़ियारत करवाई है, इसी वजह से हम नए मज़ारात पर ज़्यादा खसूसी तवज्जो देंगे कि आपको मुकम्मल सही तरीके से ज़ियारत कराई जाए। लिंक जो है मौजूद है, आप हज़रात पहले की भी वीडियो देख सकते हैं। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में।